सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं। 10 मिलियन व्यूज़ लाने हैं, याद है आपको, अगर आपके शॉर्ट वीडियो के ऊपर 10 मिलियन व्यूज़ आते हैं तभी आपकी चैनल मोनेटाइज हो सकती है और शॉर्ट वीडियो के ऊपर भी आपको पैसा मिलेगा। तो अब शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे करें, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों के सवाल भी है, मैंने बहुत सारे कॉमेंट देखे मेरी वीडियो में नहीं दूसरे वीडियो के अंदर, लेकिन उन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती है और वो लोग शॉर्ट वीडियो को वायरल नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए क्या ऐसी ट्रिक है जिसको यूज़ करके हम शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग वीडियो को अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद छोड़ देते हैं और उनके वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं। 4, 5, 6, 10, 20, 50 व्यूज़ आने के बाद उनकी वीडियो यहाँ पर रुक जाती है। तो उन लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा। अगर ये तीनों टिप आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि करीब करीब 10 दिन के अंदर या 5, 7 या 10 दिन के अंदर आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप क्या है, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि देखिए कुछ ऐसी वीडियो है जहाँ पर वीडियो वायरल हो रही है। तो चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि सिर्फ आपको दिखाना है, आपको दिखाऊँगा और आप देख लीजिए कि किस तरह से उनकी वीडियो वायरल होती है। पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखा आपने, बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियो वायरल होती है, 50,000, 60,000, 1,00,000, 10,00,000, 5,00,000 व्यूज़ भी आ जाते हैं। तो इतने व्यूज़ आते कैसे हैं, तो सबसे पहली बात अगर आपने इन वीडियो को देखा, इन वीडियो के अंदर आपने अगर गौर किया है तो जो भी वीडियो है, आपने जो भी वीडियो देखी वो पोर्ट्रेट मोड में बनी है या फिर स्क्वायर में बनी है। तो आप लोगों को दोनों में से कोई भी एक रेशियो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो तो आपको पता है कि शॉर्ट वीडियो को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ थी जो आपने अगर नोटिस की है, वीडियो के ऊपर की साइड में आपको एक कीवर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि वीडियो के अंत में ये होगा, वीडियो के अंत में इसने ये कर दिया, वीडियो के बाद में ये हुआ, ऐसा एक सेंटेंस आपको लिखना है जिसको पढ़ने के बाद जो भी व्यूवर्स है वो पूरी वीडियो देखेगा। जब पूरी वीडियो देखेगा तो आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और जैसे ही ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है तो आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएगी और आपकी वीडियो रिकमेंड में जाने के लगेगी, शॉर्ट फीड के अंदर आएगी। शॉर्ट फीड के अंदर अगर आपकी वीडियो आ गई तो फिर आपकी व्यूज़ बढ़ने वाले हैं। 10 मिलियन व्यूज़ कुछ भी नहीं है उसके आगे, 10 मिलियन क्या, 20 मिलियन व्यूज़ भी आ सकते हैं अगर आप इस तरह से वर्क करते हैं। तो आपने समझ लिया कि एक कीवर्ड आपको ऐसा लिखना है जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद वो पूरी वीडियो देखे। ठीक है, ये तो होगा एक नंबर का। अब दूसरी बात करता हूँ और जो लास्ट में मैं बताऊँगा उसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी वीडियो 100% वायरल होगी, मैं लिख कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर वायरल नहीं होती है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे। तो दूसरे नंबर का टॉपिक ये है कि आपकी वीडियो के अंदर आप जो भी वीडियो है, आपकी जो भी वीडियो है उस कैटेगरी के रिलेटेड या फिर उस कैटेगरी के रिलेटेड जो भी चैनल है उन चैनल का नाम या फिर उन कैटेगरी का नाम आपको चैनल कीवर्ड के अंदर लिखना है। चैनल कीवर्ड कहाँ पर लिखे जाता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, यहाँ जाकर आप SEO वाला वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर डेमो दे देता हूँ कि यहाँ पर जाकर आप चैनल कीवर्ड चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चैनल कीवर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, आपके चैनल के अंदर जो भी कीवर्ड होंगे उस कीवर्ड के ऊपर आपके चैनल के वीडियोस वायरल हो सकते हैं।
अगर वो आपने जो भी कीवर्ड लिखा है उस कीवर्ड को कोई सर्च करता है तो आपकी वीडियो भी उसके सामने आती है, और फीड के अंदर आप जाएंगे तो फीड के अंदर भी आपकी वीडियो जाने लगेगी। तो ये होगा दूसरे नंबर का ट्रिक। और तीसरे नंबर का जो मेन पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ है कि आपको अपनी वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाना होगा। तो ये कैसे होगा, हम कैसे हमारी वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए आपके घर में और दूसरे फ़ोन होंगे, आप जो भी आपका फ़ोन है, समझ लो मैं मेरे फ़ोन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को मेरे फ़ोन में मुझे नहीं देखना है। दूसरा फ़ोन है मेरे पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, कोई भी फ़ोन आप उठा लीजिए, 3-4 फ़ोन जितने भी फ़ोन हैं उसके अंदर आपको उस वीडियो को सर्च करना है। सर्च करने के बाद ओपन करना है, और ओपन करने के बाद उसको रख देना है, मतलब कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक उसको रहने दीजिए। अगर आपको आप उसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको बार बार ऊपर या नीचे करना पड़ेगा, उसको रहने दीजिए, उसको जितना भी चलता है वीडियो को चलने दीजिए, बार बार चलेगी, 10 मिनट 15 मिनट तक रहने दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो अल्गोरिदम है, आप YouTube क्या करेगा, आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा, आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बढ़ जाएगी। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो भी ऐसा ही काम करते हैं, और इसी तरह से लोग अपनी वीडियो को वायरल करते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है, आपके घर में जो भी और फ़ोन है और मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर आपको उन वीडियो को चला देना है। वीडियो चलाने के बाद उसको 10 मिनट तक रखना है, और उसके बाद आप देखिए आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। और अगर वायरल नहीं होती है तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर आकर कमेंट कर सकते हैं कि हमारी वीडियो वायरल नहीं हुई। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोगों को क्या जानने को मिला, हमने 3 बातें करी है। सबसे पहला एक कीवर्ड लिखना है, दूसरा आपको अपनी चैनल का जो कीवर्ड है उसको लिखना है, बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम लिखना है या फिर आपके कैटेगरी के रिलेटेड जो भी कीवर्ड आते हैं वो लिखना है, तीसरे नंबर आपको दूसरे फ़ोन से अपनी वीडियो को देखना है। तो ये 3 अगर आप कर लेते हैं तो आपकी वीडियो 100% वायरल होगी, और 10 मिलियन क्या 20 मिलियन व्यूज़ भी आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताना चाहता था। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।